हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। चल 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 चल। नहीं नहीं। अरे इतना वेट मत कराया करो किसी को, ठीक है? तुम लोग पहले बताता हमको भाई, हम तुम ग्रुप देखा करेगी तब तो तुमको पता चलेगा। अगर हम लोग अभी भी कहीं साथ रहते ना तो वो वाइट साइड से आ जाता, कभी लाइफ में वापस नहीं आने वाला। वो आसपास में हम लोग बैठा करते थे लास्ट का 1.5 साल। बहुत ज्यादा चोट लग गया इसको आज। सो गुफा के अंदर है गाइस अभी हम लोग, एंड अभी हम लोग गुफा से बाहर निकल रहे हैं। हाँ तो भैया, हर एक व्लॉग ना एक कहानी होता है, और हर एक कहानी में ना एक हीरो होता है। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है कहानी के हीरो से, जो कि अपना पुराना कॉलेज जा रहा होता है। एंड ये वो कॉलेज है जिससे कहानी का जो हीरो है ना, वो अभी भी बहुत ही शिद्दत से मोहब्बत करता है। कि आज हम जा रहे हैं अपना कॉलेज, एंड अपना कॉलेज कहने से मतलब है नॉट रांची यूनिवर्सिटी बल्कि गवर्नर कॉलेज। भले वहाँ से निकल चुके बट फिर भी यार दिल फीलिंग्स अभी भी वहीं पर टिका हुआ है। तो कल से ही हम पूरा एक्साइटेड थे यार कि हमें गौसल कॉलेज जाना है, और ऐसा एक्साइटमेंट हमें कभी आरयू के लिए नहीं हुआ भाई कि हमें आरयू जाना है क्लास करने के लिए। 11th 12th के बच्चों, अगर देख रहे हो ये वीडियो ना, तो इस बार पास आउट होकर आ जाना गौसल कॉलेज अगर ज़िंदगी में मज़े के साथ तुम्हें पढ़ाई करना है तो। और नेत्रहाट का राइड के बाद ना हमें अपने बाइक से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट यार मुझे लगा नहीं था कि उतना लंबा राइड हमारा बाइक कर पाएगा। हम आराम से 80-90 में चला रहे थे बाइक विद टिलियन, एंड ऐसा कभी भी हमें लगा नहीं कि बाइक में हमारा पावर कम है। एंड इसको बढ़िया से एक बार ट्रीटमेंट मिलेगा, राइड से पहले इसको एक बार मिल चुका था, अभी राइड के बाद भी मिलेगा। फिर से वो पुराने दिन याद आ गए, यही सुजाता चौक, और सुजाता चौक का वो ट्रैफिक और वो सिग्नल, और ये कार वाला इधर क्यों आ रहा है भाई? जब तुमको इधर ही आना था तो उधर क्यों गया? बना हो क्या? ये लेन पे रेड सिग्नल हो गया तो लागे तो कार वाले उधर घुस रहे हैं। अब बताओ छोटा कितना हो गया अंकल? जब बन जाएगा ना उसके बाद खुलेगा। तो बहुत दिन के बाद आए ना हम लोग, एक स्टूडेंट है, ठीक है? हाँ हाँ ले, बनेगा, ऑफिस बन रहा है, बन जाएगा बाद खुलेगा। अच्छा, तो फाइनली गाइस कॉलेज एंटर कर चुके हैं। उधर ही लगाते। अरे बाप रे बाप, इधर तो पूरा जमीन खुदा पड़ा है यार। तरक्की में है देख लो। तो इतने दिनों के बाद कॉलेज आके ना अलग सा फीलिंग आ रहा है, पुरानी मेमोरीज याद आ रही है कि यहाँ पर हम बैठा करते थे, वहाँ पर हम वो करते थे, उधर हम बाइक लगाते थे। हमारा प्यारा सा जो कैंटीन था, छोटा सा प्यारा सा कैंटीन था, कितना मेमोरीज था हमारा वहाँ पे, वो पूरा टूट चुका है। एंड अभी बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट होगा, पूरा नया बनेगा, अच्छा कैंटीन मिलेगा। एग्जैक्टली, हमारा तो ढाबा था, पर जो भी था जैसा भी था बड़ा सही था। समोसा चाट हमने जितने समोसा चाट यहाँ खाया है कहीं नहीं, मतलब कभी नहीं खा। बेसिकली कैंटीन हमारा वहाँ पर था, वहाँ पर से हम समोसा चाट लेते थे, एंड आ करके हम बैठते थे स्टेज के तरफ। वो पेड़ वाला एरिया तो पता ही होगा आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। ये है रूम नंबर 15 जहाँ पे हमारा क्लास हुआ करता था, एंड ये है अपना इंग्लिश डिपार्टमेंट। वो आसपास में हम लोग बैठा करते थे लास्ट का 1.5 साल, याद है? वो दिन भी क्या दिन थे। अभी ऐसा लगता है ना, जैसा भी था गॉस बहुत सही था यार, क्योंकि ना उसमें हम लोग साथ में थे। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम लोग अभी भी कहीं साथ रहते ना तो वो वाइब साइड से आ जाता, लेकिन यहाँ का एक तो वाइब ही अलग था, ऊपर से जो हमारा साथ था ना उसका भी वाइब अलग था। Exactly. वो कभी लाइफ में वापस नहीं आने वाला था। Exactly. इसका बस सबसे बड़ा रिग्रेट। अभी इधर देख रहे ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर रंजनी बैठती थी, कौशिक बैठता था, शीतल, शिवानी, मार्टिन, मतलब सब कोई ऐसा इमेजिन कर पा रहे कि वहाँ सब कोई बैठा करता था। लास्ट के 2-4 महीने हमने ना पूरा जिया अपना कॉलेज लाइफ। एग्जैक्टली, अभी हम जहाँ पर है अच्छा है, ठीक है, बट यहाँ पर का जो बात है ना, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर का जो बात था ना वैसा बात नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा बात कहीं और मिलने भी वाला है। 3 साल है जो तुम कर सकते हो, उसके बाद फिर सोचोगे ना कि पीजी में कर लोगे, पीजी में नहीं होता है भाई। जो दोस्त तुम्हारे यूजी में बनेंगे ना, वैसे दोस्त तुम्हारे पीजी में नहीं बनेंगे। हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे थे तुमको, अगर अच्छे दोस्त बन गए तो ये भी बात है। वो भी है, हम अच्छे दोस्त हैं। तो अभी कॉलेज से निकल रहे हैं, एंड आ रहे हैं दोस्तों से मिलने के लिए। पहले दोस्तों के साथ निकला करते थे, अभी निकल के दोस्तों के पास जा रहे हैं, ये डिफरेंस आ गया थोड़ा सा।
भैंस का पूंछ से बड़ा गंदा लगता है, हमको भी लग चुका है। स्कूल में थे तो साइकिल से आ रहे थे तो भैंस का बगल से निकल रहे थे, दिया पूंछ घुमा गया, तो मेरा मुंह में उसका जो पूंछ का एंड होता है ना वो एकदम सीधा मेरे मुंह में, एक आध दो बाल भी घुस गया होगा मुंह के अंदर, ऐसा लगा था मेरे को। बेसिकली अभी अवेयरनेस वीक चल रहा है ना, तो उसके वजह से यहाँ पर पुलिस लोग थे। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। खा रही है, शक्ल दिखाओ, दो दिन से नहाई नहीं इसलिए नहीं दिखा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेलमेट पहनो और इतना वेट मत कराया करो किसी को, ठीक है? तुमने पहले बताता हमको भाई, हम तुम ग्रुप देखा करेगी तब तो तुमको पता चलेगा प्लान क्या है। अभी हम लोग का प्लान बन रहा है, हम लोग सब जाओगे पांडा पुडिंग और पेरवा घाट जा रहे हैं हम लोग। पेरवा घाट के बगल में पांडा पुडिंग और पांडा पुडिंग के बगल में पेरवा घाट। क्या बात है सर, ऐसा मस्त एकदम पिकनिक करेंगे, ठीक है? चिकन विकन लेके जाएंगे, अफकोर्स रहेगा। डूबने ही तो जा रहे हैं वहाँ? नहीं मतलब डूबने नहीं जा रहे हैं। चल अंजलि, कुछ नहीं होता। चप्पल जाओ। अच्छा हमने ढकेलते ना तो तुमसे होता भी नहीं। अरे उठा उसको, हट जाओ सामने से, हट जाओ। अरे इजी है, मजा आ रहा है, इसको तो लात मारे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, come on Anjali, come on Anjali, haath upar haath। ye kya tha, ye kya tha, ye kya tha, zara aap batana chahenge, what was it? are utho line mein haath rakho, chila jayega, aao ruko, hum dhakka maar ke aate usko, pakad pakad usko dhakka maar ke aate hain। nahi nahi nahi, chal 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 चल। नहीं हो गया, हो गया, एक बार बस लास्ट साल। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हो गया, अरे बहुत डरा। अरे कुछ चल 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 नहीं जा, अरे चल 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 जा रहे, चल ढकेलना मत, ढकेल नहीं रहे, चल हाँ तो कहीं मत रखना, चली गई अंजलि, रिटायर हर्ट हो चुकी है, यहाँ देख सकते हैं गाइस, हमको भी लगा यहाँ पे कैसे गई, अरे वो ऐसा ही था ना, पूरा तो बोले बट पड़ा है, तो पालती मार के वहाँ बैठी है ये शीतल, पालती मार के बैठी है बीच रास्ते में। That was so funny। नसताना मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, नहीं इस गुफा से ना तुम उधर जा सकते हो। यार बचपन में ना ये गुफा से हम निकल जाते थे लिटरली, अभी पता नहीं हम क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी कि कौन कौन पार कर पाता है। हमको भी डाउट है कि हम अटक जाएंगे, बस अटके ना भाई। थोड़ा सा भी बस दाग नहीं रहता तो आ जाता, फाइनली गाइस हम गुफा के बाहर आ चुके हैं गाइस, हमें लगा नहीं था कि हम पार कर पाएंगे बट फाइनली हम पार कर लेंगे। अरे सब सो गुफा के अंदर है गाइस अभी हम लोग, एंड अभी हम लोग गुफा से बाहर निकल रहे हैं, आराम से आना। अरे मेरे को क्या लगेगा, तुम तो पतली सी है। रॉक गार्डन को पहले से पता था कि कोरोना कैसे दिखता है, पहले से ये बना के रखा हुआ था यहाँ पर। बहुत ज़्यादा चोट लग गया इसको आज। शीतल तुम मजबूत हो। यस। हाँ तो भैया, हर एक व्लॉग का ना एक कहानी होता है और हर एक कहानी में ना एक हीरो होता है, ये तो दो गया।